जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अंबाला शहर की ओर से हम आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग का हिंदी अनुवाद, जिसको सुनने से हमारे जीवन में भक्ति आती है, भगवान के प्रति हमारा प्रेम भावना हमारी जागती है। तो अगर हम श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का पाठ करते हैं या इसको सुनते हैं तो हमारे पितरों की भी सदगति होती है, क्योंकि श्राद्ध पक्ष में इसका पाठ करना विशेष रूप से कल्याणकारी कहा गया है। और संक्रांति वाले दिन, अमावस्या वाले दिन, ऐसे ऐसे विशेष दिनों में भी श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय के पाठ को इसका विशेष महत्व माना गया है। तो अब आप श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग का हिंदी अनुवाद सुनिए। कृपया इसको आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर हम इसको ध्यान से सुनेंगे तभी भगवान की हमारे ऊपर पूरी कृपा होगी। अब श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का हिंदी अनुवाद। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन बोले कि हे मनमोहन, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन इस पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे हुए आप सगुण रूप परमेश्वर को ही अतिश्रेष्ठ भाव से उपासते हैं, और जो अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार को ही उपासते हैं, उन दोनों प्रकार के भक्तों में अति उत्तम योगवेता कौन है? इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि हे अर्जुन, मेरे में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्त जन अति श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त हुए मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मेरे को योगियों में भी अति उत्तम योगी मान्य हैं, अर्थात उनको मैं अति श्रेष्ठ मानता हूँ। और जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को अच्छी प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए उपासते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत हुए और सब में समान भाव वाले योगी भी मेरे को ही प्राप्त होते हैं। किंतु उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त हुए चित्त वाले पुरुषों के साधन में क्लेश अर्थात परिश्रम विशेष है, क्योंकि देह अभिमानियों से अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। अर्थात जब तक शरीर में अभिमान रहता है तब तक शुद्ध सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में स्थिति होनी कठिन है, और जो मेरे प्रायण हुए भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मेरे में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही तैल धारा के सदृश अनन्य ध्यान योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, हे अर्जुन, उन मेरे में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। इसलिए अर्जुन, तू मेरे में मन को लगा और मेरे में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मेरे में ही निवास करेगा अर्थात मेरे को ही प्राप्त होगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यदि तू मन को मेरे में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मेरे को प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। यदि तू ऊपर कहे हुए अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए ही कर्म करने के ही प्रायण हो। इस प्रकार मेरे अर्थ कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा, और यदि इसको भी करने के लिए असमर्थ है तो जीते हुए मन वाला और मेरी प्राप्ति रूप योग के शरण हुआ सब कर्मों के फल का मेरे लिए त्याग कर, क्योंकि मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से परोक्ष ज्ञान श्रेष्ठ है, और परोक्ष ज्ञान से भी मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, तथा ध्यान से भी सब कर्मों के फल का मेरे लिए त्याग करना श्रेष्ठ है, और त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। इस प्रकार शांति को प्राप्त हुआ जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित है एवं स्वार्थ रहित सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है, तथा ममता से रहित एवं अहंकार से रहित सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय दान देने वाला है, तथा जो ध्यान योग में युक्त हुआ निरंतर लाभ हानि में संतुष्ट है, तथा मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए मेरे में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मेरे में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मेरे को प्रिय है, जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है, और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है, तथा जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेगादिकों से रहित है वह भक्त मेरे को प्रिय है। जो पुरुष आकांक्षा से रहित तथा बाहर भीतर से शुद्ध और चतुर है अर्थात जिस काम के लिए आया था उसको पूरा कर चुका है एवं
पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है। वह सर्व आरंभों का त्यागी अर्थात मन वाणी और शरीर द्वारा प्रारब्ध से होने वाले संपूर्ण स्वाभाविक कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्यागी मेरा भक्त मेरे को प्रिय है, जो न कभी हर्षित होता है और न द्वेष करता है, न शोच करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों के फल का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मेरे को प्रिय है। जो पुरुष शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है, तथा सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम है, और सब संसार में आसक्ति से रहित है, तथा जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला और मननशील है, अर्थात ईश्वर के स्वरूप का निरंतर मनन करने वाला है, एवं जिस किस प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता से रहित है, वह स्थिर बुद्धि वाला भक्तिमान पुरुष मेरे को प्रिय है। और जो मेरे प्रायण हुए अर्थात मेरे को परम आर्ष और परम गति एवं सबका आत्म रूप और सबसे परे परम पूज्य समझकर विशुद्ध प्रेम से मेरी प्राप्ति के लिए तत्पर हुए श्रद्धायुक्त पुरुष इस ऊपर कहे हुए धर्म में अमृत को निष्काम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मेरे को अतिशय प्रिय हैं। इति श्रीमद् भगवद् गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में भक्ति योग नामक 12वां अध्याय। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवद् गीता के 12वें अध्याय के हिंदी अनुवाद को आपने सुना। तो जो कोई भी श्रीमद् भगवद् गीता के भक्ति योग के 12वें अध्याय को सुनता है या इसका पाठ करता है, उसके जीवन में भगवान की भक्ति आती है, भगवान की कृपा उसके ऊपर होती है। तो आप कृपया श्रीमद् भगवद् गीता के 12वें अध्याय का पाठ किया कीजिए और इसको सुना कीजिए। जो भी आपको अच्छा लगे आप इसका पाठ सुन भी सकते हैं, इसका पाठ कर भी सकते हैं। और श्राद्ध पक्ष में इसका पाठ करना पितरों के लिए बड़ा पुण्यकारी कहा गया है, और संक्रांति अमावस्या पूर्णिमा को तो इसका पाठ करना बड़ा ज़्यादा मंगलकारी कहा गया है। तो आप कृपया श्रीमद् भगवद् गीता के इस 12वें अध्याय को सुनिए, इसका पाठ कीजिए, आपके जीवन में भगवान की बड़ी कृपा आएगी, तभी आपको इसका एहसास होगा अगर आप इसका पाठ करेंगे। तो यह सारी कथा आप श्रीमद् भगवद गीता 12वें अध्याय की कथा आप मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अंबाला शहर की ओर से सुन रहे थे। आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय इस कथा को सुनने में लगाया। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हमारी आगे आने वाली वीडियो के लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भक्ति और ज्ञान से संबंधित हमारी वीडियो को आप देखिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।